तो वोक्सवैगन ने अपनी नई फ्लैगशिप कार निकाली है और ये कार अगर इंडिया में आती है ना तो इस रेंज के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती है सिर्फ टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी ग्लॉस जैसी बड़ी बड़ी जो एसयूवीज हैं ये सब फेल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको कई ऐसी नई चीजें मिलेंगी उसी प्राइस रेंज में जो कि आपको और कंपनियां ऑफर नहीं करी। जैसे इसमें आपको V6 इंजन मिल जाएगा, जो कि सुनने में कितना अच्छा लगता है कि मेरी कार में V6 इंजन है। एक फ्लैगशिप कार हो गई, फ्लैगशिप इंडिया में देखा जाए तो फ्लैगशिप फोन आपको मिल जाते हैं, फ्लैगशिप कार भी मिल जाएंगी। यह है ऑल न्यू वॉक्सवैगन की टोरेक। टोरेक पहले इंडिया में आती थी लेकिन फिर कुछ टाइम पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी है और ये इसका अब एक थर्ड जनरेशन मॉडल है और इसमें आपको अब कई नई चीजें देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में कार लॉन्च हो चुकी है और इसकी बहुत ही अच्छी सेल हो रही है, बहुत लोग इस कार को पसंद कर रहे हैं। और वॉक्सवैगन इसमें अपनी जैसे रिसेंटली गाड़ी में देखा होगा सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलते हैं, कोई भी अगर आप वॉक्सवैगन की कार लेते हो उनमें आपको ना डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है ना अभी हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन इस कार में आपको 5 ऑप्शन मिल जाते हैं और पांचों में आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिल जाएगा। एयर सस्पेंशन इस कार के अंदर आपको मिलते हैं तो ये ऑफ रोडिंग के लिए भी काफी बेटर एक कार है। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा मिल जाता है, उबड़ खाबड़ रास्तों में अगर जाते हैं तो एयर सस्पेंशन से गाड़ी को आप गाड़ी की जो हाइट है उसे आप उठा सकते हो, और अगर आप हाईवे में काफी हाई स्पीड में कार को चलाना चाहते हो तो एयर सस्पेंशन की मदद से गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम करके इसे हाई स्पीड में काफी तेज चला सकते हो। इससे आपको एयर ड्रैग जो है वो काफी कम आता है और गाड़ी की स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस भी 50 लाख रुपए तक आपको देखने को पड़ जाएगा। अभी इसकी लॉन्चिंग क्या है ऐसा कुछ नहीं बता रखा, लेकिन रिवील कर रखा है कि इन्होंने इस कार को लॉन्च कर दिया और शायद ये कार इंडिया में भी ला सकते हैं। और इसमें कंपनी ने ऑल न्यू LED मैट्रिक्स लाइट एड ऑन कर रखी है जो कि बहुत ही अच्छी है। मैट्रिक्स लाइट काफी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि नॉर्मल लाइट्स की तरह नहीं होती, इनमें जो टेक्नोलॉजी होती है थोड़ी एडवांस होती है और इनका स्प्रे भी काफी अच्छा होता है, विजिबिलिटी इनमें आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर इसका कैबिन अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, काफी कुछ सिमिलर है वॉक्सवैगन की और गाड़ी से, लेकिन इसके इसका जो कैबिन है थोड़ा ड्राइवर साइड की तरफ को पुश कर रखा है, उसका व्यू पूरा ड्राइवर साइड को अच्छा मिलेगा। और इसमें भी वही आपको कनेक्टिंग लुक मिल जाता है इसकी टच स्क्रीन में और इसके स्पीडोमीटर में। बाकी स्टेयरिंग व्हील का डिजाइन अभी भी वैसा ही है थोड़ा जैसा आपको इसकी टिगवान ऑल स्पेस में या फिर ऐसी जो और गाड़ियां आती है उसी टाइप का डिजाइन यहाँ पे रखा हुआ है। फीचर्स बहुत सारे हैं, अभी इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स तो प्रॉपर मिल जाती हैं और दोनों ड्राइवर को ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगी। इसमें आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाएगा और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलता है। अब जैसे मैं कह रहा था 5 ऑप्शन है तो इसमें आपको पेट्रोल डीजल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिल जाता है, और हाइब्रिड इंजन में आपको जो इसका टॉप मॉडल रहेगा उसमें आपको V6 इंजन मिल जाता है जो आराम से 450 हॉर्स पावर जनरेट कर लेता है। 50 लाख की गाड़ी में आपको 450 हॉर्स पावर मिल रहा है तो आपको एक तरह से मस्टैंग वाली फीलिंग जरूर मिल जाएगी, भले आवाज वैसी ना है लेकिन मस्टैंग वाला फील तो जरूर मिल जाएगा भगाने में। और गाड़ी की स्पेसिंग भी काफी अच्छी है, मतलब बूट स्पेस हो या फिर अंदर कैबिन स्पेस हो दोनों आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिल जाता है। स्पेस आपको आराम से 400 प्लस लीटर की स्पेसिंग मिल जाती है और जो इसकी सीट्स हैं रियली बहुत कंफर्टेबल है, लेदर की सीट्स आपको मिलेंगी, ऐसे नहीं कि फैब्रिक ठूस रखा है, कॉस्ट कटिंग कर रखी है, ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलेगी। वॉक्सवैगन में आपको क्वालिटी इश्यूज कभी नहीं मिलते हैं और कंफर्ट काफी अच्छा मिल जाता है। और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में शायद आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, अगर आप नीचे के मॉडल लोगे जो मतलब एक तरह से बेस मॉडल जो इसके होंगे पेट्रोल और डीजल उनमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, तो प्राइसिंग का भी थोड़ा डिफरेंस वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। और गाड़ी के ऊपर आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें पूरे एडवांस जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं सब आपको मिल जाएंगे, आपके एंटरटेनमेंट से लेके सेफ्टी फीचर्स सब कुछ रखे हुए हैं इस कार के अंदर। इसमें आपको एडास लेवल 2 सारे फंक्शन मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे और जितने सेफ्टी फीचर्स हैं सब आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बड़ी सी टच स्क्रीन भी मिल रही है, एंड्रॉइड ऐप पर वो भी सपोर्ट करती है पूरा, और इसकी म्यूजिक क्वालिटी भी काफी अच्छी रहेगी। कंपनी ने इसमें के अंदर काफी एडवांस स्पीकर लगा रखे हैं तो म्यूजिक क्वालिटी इस कार के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी मिलेगी। बाकी देखते हैं कार इंडिया में कब लॉन्च होती है, क्योंकि ये जो गाड़ी है आपको हर शुरू में तो अवेलेबल नहीं होगी, बस आपको बुक कराना पड़ेगा, फिर कुछ टाइम वेटिंग पीरियड चलेगा तो ये पूरी गाड़ी बाहर से इंपोर्ट होके आएगी, इसलिए गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर मैं इसे फॉर्च्यूनर से इन गाड़ी से कंपेयर करता हूँ तो ये गाड़ी उनके मुकाबले टेक्निकल टर्म्स में बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, पावर काफी अच्छी है और कई चीजों में आगे, तो जिस प्राइस में ये आ रही है काफी कुछ ये आपको ऑफर कर रही है। बाकी वॉक्सवैगन से उम्मीद है ये कार इंडिया में जरूर लॉन्च करे, क्योंकि यहाँ पे भी कई ऐसे बायर्स हैं जो इस कार को लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस नई गाड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलता है आपको ऐसी और नई क्रेजी इन्फॉर्मेशन क्रेजी कार के साथ, तब तक के लिए स्टे लीगल बट ड्राइव फास्ट।